हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने स्टार पिलो कैसे बनाए हैं। स्टार पिलो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, इसको कोई भी बना सकता है। इसमें जस्ट आपको एक सिलाई लगानी होती है, बट इसकी जो मेन बात है वो है इसकी परफेक्ट कटिंग। यदि हमारा जो स्टार है वो एकदम से परफेक्ट कटेगा तो हमारे पिलोज भी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इन पिलोज में मैंने जो हमारे सूट्स की जो कतरन बचती है उसका यूज़ किया है, और साथ ही साथ मैंने कॉटन का यूज़ किया है, और उन दोनों का यूज़ करके ये बिल्कुल भी हैवी नहीं बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और ये देखिए, मैंने दो पिलो बनाए हैं ये, और मैंने इनके किनारों पर पॉम पॉम लगाई है। आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पॉम पॉम वाली आती है। आइए सबसे पहले हम इसकी परफेक्ट कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर से एक बार और फोल्ड करेंगे, और इस साइड से इसकी अच्छी सी एक क्रीज बिठाएंगे। अब हम इस कॉर्नर को जो फोल्ड है वहां से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम इसको भी फोल्ड करेंगे सेंटर से, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। बस जस्ट इसमें इतना सा काम है। अब आप यहाँ पर स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइन भी लगा सकती हैं, बट मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी। आप इस तरीके से अगर स्टार की कटिंग करोगे तो आपका स्टार एकदम से परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट स्टार की कटिंग हुई है, एकदम परफेक्ट। बट ये पैटर्न छोटा है, मुझे बड़ा पीस चाहिए था, बट ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी कटिंग की थी। मेरे पास ये बड़ा पैटर्न है, सेम मैंने इसी मेथड से इसकी कटिंग की है। मैं अपने पास इस तरह से पैटर्न्स की कटिंग करके रखती हूँ, और बाद में इसको बनाना ईजी हो जाता है। किसी भी तरह का पैटर्न है, जस्ट आपको फैब्रिक के ऊपर रख कर उसकी कटिंग करनी होती है। अब मैं अपने स्टार को मेन फैब्रिक के ऊपर रखूंगी और इसकी कटिंग करूंगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये एक साड़ी में से बनाया हुआ एक सूट है, और इसकी स्टिचिंग को मैंने खोल लिया है। इसमें लाइनिंग पहले से ही लगी हुई है, ये काफ़ी पुरानी है, ये 7-8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, बट इसकी शाइनिंग जो है वो अभी भी है, बिल्कुल एकदम से नई लगती है, एकदम शाइनिंग है इसके अंदर। अब दूसरे पीस को भी मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी और स्टार को इसके ऊपर रखूंगी। स्टार को रखने के बाद बहुत अच्छे से बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरह से निशान लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो निशान है वो परफेक्ट लगें, क्योंकि यदि परफेक्ट निशान नहीं लगेंगे तो जो लास्ट में हमारी जो स्टिचिंग बनकर जो हमारा पैटर्न तैयार होगा, जो हमारा पिलो कवर तैयार होगा, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा, उसकी जो शेप है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो बड़े ध्यान से इस तरह से निशान लगाएंगे। बस यही इसका मेन है, बाकी सिलना इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से निशान लगे हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मेरे पास ये इस तरह से पूरा कंप्लीट है, अच्छे से एकदम स्टार की शेप आ गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टिचिंग करते वक्त यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी इसके लिए। बट इसमें करना कुछ नहीं है, हमें दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और इस जिस तरह से कटिंग की है उसी तरह से किनारे किनारे से हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद मैंने पूरे पिलो के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाए हैं, और ये ब्लू कलर का जो धागा है ये जस्ट एक स्टिच है, ताकि ये जो मेरी लाइनिंग है ये मेन फैब्रिक के साथ अटैच रहे और सिलते वक्त कोई परेशानी ना आए, तो इसको हम बाद में इसको हटा देंगे। थोड़ा सा यहाँ से ओपन रखा है मैंने, यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर सीजर की हेल्प से हम इसके अच्छे से कॉर्नर सेट कर लेंगे।
और जो ये स्टिच लगाई थी ब्लू कलर की, इसको भी हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप बनकर आई है। अभी मेरे पास कपड़ों की छोटी छोटी कतरन है, इससे हम अपने पीलो को फिल करेंगे। और कतरन को अच्छे से सेट करके रखना है, ऐसे ठूस कर नहीं भरना है। सबसे पहले हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको फिल करेंगे, अच्छे से एकदम सेट करके करेंगे। अच्छे से इसको सेट करते रहेंगे। और मेरे पास थोड़ी सी कॉटन भी है, मैंने उसका भी यूज़ किया है इसमें। ये देखिए मेरे पास कॉटन है थोड़ी सी, तो पहले मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है और मैं इसकी एक बिल्कुल ही ऊपरी एक लेयर की तरह इसको यूज़ करूँगी। तो मेरी कतरन और कॉटन दोनों का यूज़ हो जाएगा और बिल्कुल ही भी ये हैवी नहीं है, बिल्कुल ही सॉफ्ट बने हैं ये। और जो ये ओपन साइड है इसको मैं सुई धागे की हेल्प से यहाँ से सील दूंगी। और ये मेरे पास येलो कलर के पॉम पॉम थे, येलो इसके साथ अच्छे से मैच कर रहे थे। आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो धागा यूज़ हुआ है वो थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर में है, इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का यूज़ किया है। और बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने येलो कलर के धागे से ही मैंने इनको अटैच कर दिया है। और ये देखिए पॉम पॉम लगने के बाद मेरे पिलो एकदम से रेडी हैं। और मैंने दो पिलोज बनाए हैं ये, और ये बनकर बहुत ही प्यारे बने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा है, ये मेरे स्टार पिलोज कैसे लगे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।